हे hey गाइस इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे फुटर कंटेंट क्रिएट करते हैं फुटर आपकी वेब पेज का या आपकी वेबसाइट का सबसे बॉटम का एरिया होता है जिसमें आप कॉपीराइट वगैरह डिस्प्ले करवा सकते हो कुछ एक्स्ट्रा लिंक्स वगैरह यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हो डिस्क्लेमर वगैरह यहाँ पे शो कर सकते हो सो so, ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आप चाहते हो आपके यूजर उससे इंटरेक्ट हो उसे हम फुटर में डिस्प्ले करवा सकते हैं तो so, ये है हमारा वर्ड का डैशबोर्ड नाव फुटर क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले टेम्पलेट्स में जाना होगा एंड देन क्लिक ऑन थीम बिल्डर ये ऑप्शन आपकी वेबसाइट में तभी इनेबल होगा जब आपने ऑलरेडी एलिमेंटर प्रो प्लग अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल किया होगा सो so यहाँ पर हम थर्ड टैब देख सकते हैं फ़ुटर लेट्स क्लिक ऑन इट ओके सो यहाँ से हम अपना फ़ुटर क्रिएट कर सकते हैं सो so यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड न्यू फुटर पे और ऐसा कुछ पॉपअप आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा नेम योर टेम्पलेट इसमें हम फुटर का नाम एंटर कर देंगे फॉर एग्जांपल माय फुटर आप कोई भी नाम यहाँ पे एंटर कर सकते हो नाउ लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट टैम्पलेट फिर से एलिमेंटर की स्क्रीन आपकी पेज पर पे लोड होगी ऑल राइट सो इस पॉपअप को हम कम्प्लीटली क्लोज कर देते हैं एंड हेयर यू कैन सी एलिमेंटर का सेक्शन एरिया फिर से डिस्प्ले होता है लेफ्ट हैंड साइड पर विजट्स हैं सो so, ये एक्जैक्टली exactly सेम है जैसा हमने पेजेस के टाइम पर क्रिएट किया था सबसे पहले हम यहाँ पर एक चार कॉलम का सेक्शन ले लेते हैं दिस वन ऑल राइट नाव फर्स्ट वाले कॉलम में हम अपनी वेबसाइट का लोगो डिस्प्ले करेंगे सो क्लिक ऑन दिस प्लस लेफ्ट हैंड साइड पे आपको बहुत सारे नए विजट्स यहाँ पे डिस्प्ले होंगे सो so, फुटर के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट्स अपने आप फिल्टर हो जाते हैं तो so, यहाँ पे आपको देखेगा साइट लोगो इसे हम ड्रैगन ड्रॉप कर लेते हैं सो so, जो भी लोगो आपने अपनी वेबसाइट में सेट किया होगा पहले वो एग्जैक्टली सेम लोगो यहाँ पर भी डिस्प्ले हो जाएगा ना इसके नीचे हम कुछ टेक्स्ट एलिमेंट भी ऐड कर लेते हैं सो लेट्स गो ऑन टू दिस ग्रेड आइकन और यहाँ पर दिया है टेक्स्ट एडिटर सो आप अपनी वेबसाइट के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल सकते हो मैं इसको जस्ट एज इट इज़ छोड़ देता हूँ नाउ सेकंड कॉलम में हम अपनी वेबसाइट के कुछ मेन्यूज़ वगैरह यहाँ पे डिस्प्ले करवाते हैं सो लेट्स क्लिक ऑन दिस प्लस और लेफ्ट हैंड साइड पर आपको एक विजिट मिलेगा नेविगेशन मेन्यू दैट्स नैव मेन्यू इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पर इसकी सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं नाव यहाँ पर है मेन्यू सो so, आप कौन सा मेन्यू डिस्प्ले करवाना चाहते हो आपको याद होगा जब हमने मेन्यूज़ वाला पार्ट कंप्लीट किया था तो वहां पे मेन्यू से ग्रुप का नाम हमने मेन मेन्यू रखा था सो so आप जितने भी मेन्यूज उस सेक्शन में क्रिएट करोगे यहाँ पे उन सभी के नाम वन बाय वन डिस्प्ले होते हैं हमने सिर्फ एक ही मेन्यू क्रिएट किया था दैट्स आई मेन मेन्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है और आप यहाँ पे देख सकते हो चारों पेजेस ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो रहे हैं नाउ अभी ये हॉर्जेंटली अलाइंड है अगर आप इसको वर्टिकली अलाइन दिखाना चाहते हो यानी एक के ऊपर एक दिखे तो so उसके लिए आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे ऑप्शन है लेआउट आउट यहाँ पे हॉर्जेंटल से आप इसको सेलेक्ट कर दो वर्टिकल सो so, ये सभी मेन्यूज़ वर्टिकली अलाइन हो जाएंगे अगर आप इन मेन्यूज़ का अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हो बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ्ट में है आप इसको सेंटर कर सकते हो लाइक दिस राइट में अलाइन कर सकते हो सो दैट्स अप टू यू आप किसी भी तरह से इनको डिस्प्ले करवा सकते हो हम लेफ्ट में छोड़ देते हैं यहाँ पे बाकी बहुत सारे अदर ऑप्शन हैं मैं उन्हें टच नहीं करूँगा नाउ लेट्स गो टू द स्टाइल क्योंकि इन मेन्यू के फॉन्ट्स थोड़े बोल्ड हैं सो लेट्स मेक देम अ लिटिल बिट लाइटर सो यहाँ पे आप टाइपोग्राफी में जाओगे और यहाँ पर हम वेट इसका थोड़ा लाइट कर देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल फोर हंड्रेड सो ये मेन्यूज़ कुछ लाइट हो गए ऑल राइट यहाँ पर एक टाइटल भी हम दे देते हैं सो लेट्स गो बैक टू द ग्रिड आइकन और यहाँ पर है हेडिंग हेडिंग को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और हेडिंग में हम कुछ भी टाइटल डाल सकते हैं फॉर एक्ज़ाम्पल इंफॉर्मेशन इसे हम थोड़ा सा लाइट कर देते हैं कलर चेंज कर देंगे और फॉन्ट साइज थोड़ा डिक्रीज़ करेंगे ओके okay. टाइपोग्राफी में चल के इसका फॉन्ट साइज हम थोड़ा कम कर देते हैं या दैट्स फाइन नाउ थर्ड कॉलम में हम कुछ सोशल मीडिया आइकन्स को डिस्प्ले करवाएंगे और उन सोशल मीडिया आइकन्स को लिंक करेंगे विद सोशल मीडिया पेजेस सो सबसे पहले हम इस हेडिंग को डुप्लीकेट कर लेते हैं ऑल राइट right, इसे एंड ड्रॉप करेंगे और इसका टाइटल हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं लेट्स गो बैक टू द कॉन्टेंट यहाँ पे हम लिखते हैं लाइक कनेक्ट विद अस नाउ ग्रेड आइकन में चलते हैं और यहां पे हम सर्च करेंगे आइकन लिस्ट सो so, ये है हमारे पास आइकन लिस्ट का विजिट एंड ड्रॉप करते हैं ऑल राइट सो इस तरह से कुछ हम आइकन को डिस्प्ले करवा सकते हैं नाउ फर्स्ट वाले में हम चलते हैं और यहां पर हम आइकन सेलेक्ट करेंगे फेसबुक का सो so इसमें आप सर्च करो फेसबुक जो भी आइकन आपको बेटर लगे आप यहां से चूज कर सकते हो लाइक दिस वन ऑल राइट नाओ यहां पर हम इसका टेक्स्ट चेंज करेंगे लाइक फेसबुक इसी तरह से हम अदर्स को डिलीट कर देते हैं और इसे हम डुप्लीकेट करेंगे नाउ सेकेंड वाले को हम ट्विटर का लिंक बनाएंगे सो so यहां पे हम एंटर करते हैं ट्विटर और यहां से हम आइकन भी चेंज करेंगे ट्विटर ऑल राइट हम इसको फिर से डुप्लीकेट करेंगे एंड नाउ वी कैन मेक इट यूट्यूब एक और डुप्लीकेट कर लेते हैं एंड लेट्स मेक इट लिंक्डइन आइकन चेंज करेंगे एक आइकन और ले लेते हैं इंस्टाग्राम सो यहाँ पर हम टाइप करेंगे इंस्टाग्राम और इसका आइकन चेंज कर लेते हैं इंस्टाग्राम राइट right. हमने एक मिस्टेक की है यहाँ पे आइकन चेंज नहीं किया यूट्यूब का सो so यूट्यूब को भी हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ओके okay. नाउ हमने ये सारे लिस्ट तो क्रिएट कर लिए बट इनमें लिंक्स अभी तक नहीं लगाया सो so, लिंक्स लगाने के लिए आपको वापस फेसबुक पे जाना है ये है लिंक बॉक्स आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो एच टी टी पी एस कॉलन स्लैश स्लैश लाइक दिस सो जो भी आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल के लिंक हो आप यहाँ पे उनको पेस्ट कर सकते हो मैं सिर्फ यहाँ पे हैश टैग को पुट कर देता हूँ वी गो अगर आप आइकन का कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो तो उस केस में हम यहाँ पे एट द वेरी टॉप स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पर है आइकन टैब यहाँ से हम आइकन का कलर चेंज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आप जो भी कलर यहाँ से चेंज करना चाहते हो इट्स अप टू यू आप यहाँ से चेंज कर सकते हो लाइक दिस सो स्टैंडर्ड कलम ब्लैक यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं अगर आप आइकन का साइज इंक्रीज़ करना चाहते हो तो so यहाँ से आप आइकन का साइज भी इंक्रीज कर सकते हो आई थिंक दैट लुक्स बेटर नाउ फोर्थ कॉलम में हम बिजनेस एड्रेस डिस्प्ले करवाएंगे सो so, उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है हम हेडिंग तो यही ले लेंगे लेट्स इट और इस हेडिंग को हम यहाँ पे एडिट कर लेते हैं लाइक like, लोकेटर्स या कुछ भी आप हेडिंग यहाँ पे दे सकते हो और एड्रेस डिस्प्ले करवाने के लिए हम वापस आइकन लिस्ट को डुप्लीकेट कर लेते हैं एंड देन वी कैन एंड ड्रॉप नाउ इस लिस्ट को हम एडिट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टेंट में चलते हैं और जितने भी एक्स्ट्रा लिस्ट है उसे हम डिलीट करेंगे फर्स्ट वाली फेसबुक को ओपन करेंगे और यहां पे हम टाइटल हटा करके अपने बिजनेस का एड्रेस मेंशन करते हैं लाइक वन टू थ्री ओके आइकन चेंज कर देते हैं करेंटली फेसबुक का है तो so यहां पे हम सर्च करते हैं कुछ ऐसा आइकन जो एड्रेस से रिलेटेड हो लाइक like पिन तो हमने पहले भी यूज किया था कुछ और यूज करते हैं लाइक like मैप देखते हैं मैप मिलता है और राइट सो यहां पर हमें मैप मिल गया आई थिंक दिस लुक्स बेटर इसे इंसर्ट करते हैं तो so, आप देखो एड्रेस के तौर पर ये यह यहाँ पर डिस्प्ले होगा इसी तरह से हम इसे डुप्लीकेट कर लेते हैं एंड नाउ इसमें हम फोन नंबर डिस्प्ले करवाएंगे सो फोन नंबर कंट्री कोड के साथ में डिस्प्ले करवाते हैं लाइक like। यहाँ पे कुछ भी नंबर डिस्प्ले करवा सकते हैं आइकन को चेंज कर देंगे फोन में ऑल राइट right. इसी तरह से हम यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस भी डिस्प्ले करवा सकते हैं सो लेट्स डुप्लीकेट ईमेल एड्रेस हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं लाइक like, और यहां से हम इसका आइकन चेंज करेंगे सो दैट लुक्स बेटर नाउ इसे हम पब्लिश कर देते हैं आपको ऐड कंडीशन पे क्लिक करना है और यहाँ पर ऑप्शन पूछेगा कि इस फुटर को आप एंटायर साइट पे दिखाना चाहते हो सो so आपको इस ऑप्शन को एज इट इज छोड़ देना है एंड देन क्लिक ऑन सेव एंड क्लोज सो आपका ये फुटर सेव हो गया Now लेट्स रिफ्रेश द फ्रंट पेज ओके स्क्रॉल डाउन करके चेक करते हैं सो so, आप यहाँ पे देख सकते हो फुटर हमारा रेडी है बट अभी ये कुछ इंप्रेसिव नहीं दिख रहा है दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम चलिए इसको थोड़ा सा और इम्प्रेसिव बनाते हैं सो so, सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ पैडिंग ऐड करेंगे क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो ये इन्फॉर्मेशन कनेक्ट विद अस लोकेट या लोगो इसके ऊपर बहुत कम स्पेस है सो लेट्स गो अहेड और यहाँ पे हम इस सेक्शन में पैडिंग ऐड करेंगे सो so, यहाँ पे एडवांस्ड में चलते हैं इस आइकन को अनचेक करेंगे और यहाँ पे टॉप पैडिंग सेट कर देते हैं थर्टी सो ये कुछ ज्यादा बेटर है अपडेट कर देते हैं एक बार इसको अब जो भी आप चेंजेस करोगे उसे अपडेट करके आपको बार बार रिफ्रेश करके चेक करना होगा कि वो एक्चुअल में लग कैसा रहा है ओके okay? सो so, यहाँ पे ये यह कुछ बेटर है अभी ज्यादा स्टिकी नहीं दिखाई दे रहा है नाउ सेकेंड थिंग इन्फॉर्मेशन में जो मेन्यूज हमने डिस्प्ले किए हैं इनकी हाइट कुछ ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करेंगे अदर सेक्शन से तो इनकी हाइट ऑलमोस्ट सिमिलर है लेकिन यहाँ पे कॉन्टैक्ट कुछ एक्स्ट्रा ही दिखाई दे रहा है सो so, इसकी हाइट हम कुछ कम कर लेते हैं सो लेट्स गो बैक टू द एलिमेंटर और यहाँ पर हम मेन्यू को एडिट करेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड पर नेविगेशन मेन्यू की सेटिंग्स ओपन हो गई नाउ लेट्स जम्प ऑन स्टाइल टैब और यहाँ पर मेन मेन्यू टैब के अंडर में आपको एक ऑप्शन मिलेगा वर्टिकल पैडिंग सो so, यहाँ से हम वर्टिकल पैडिंग को थोड़ा इंक्रीज करेंगे और राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो पैडिंग यहाँ पे कम हो गई नाउ कॉन्टैक्ट की और इस सब की हाइट ऑलमोस्ट सिमिलर है सो दिस लुक्स मच बेटर सेकेंड थिंग आप यहाँ पर देख सकते हो इसका बैकग्राउंड टोटल वाइट है सो so इसका बैकग्राउंड हम थोड़ा सा लाइट कलर का कर देते हैं लाइक लाइट ग्रे ताकि ये ऊपर वाले सेक्शन से थोड़ा डिफरेंट दिखाई देगा सो लेट्स गो बैक और यहाँ पे हम सेक्शन की सेटिंग में चलते हैं और यहाँ पर स्टाइल टैब में चलेंगे बैकग्राउंड में चल करके यहाँ से कलर हम इसका कुछ सेट कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल लाइट ग्रे बहुत ज्यादा डार्क कलर आपको नहीं करना है सो लेट्स मेक समथिंग लाइक दिस दिस लुक्स बेटर वन मोर थिंग टॉप में हम इसके कुछ बॉर्डर सेट करेंगे सो लेट्स स्क्रॉल डाउन यहाँ पे है बॉर्डर का ऑप्शन सबसे पहले बॉर्डर की विद हम यहाँ पे सेट करेंगे सो बॉर्डर टाइप तो सॉलिड सेलेक्ट कर लेते हैं विद में अनचेक करेंगे इसको और टॉप की बॉर्डर को हम सेट करेंगे फॉर एग्जाम्पल थ्री पिक्सल So, सिर्फ ऊपर बॉर्डर दिखाई देगी बाकी सारी राइट बॉटम लेफ्ट में जीरो बॉर्डर है यानी बॉर्डर डिस्प्ले ही नहीं होगा अब यहां पे हम इस बॉर्डर का कलर भी सेट करेंगे सो so, यहां पर है कलर का ऑप्शन इसे हम सेट कर देते हैं फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर ऑल राइट नाउ लेट्स अपडेट इसके बाद हम एक बार फिर से फ्रंट पेज को रिफ्रेश करेंगे सो आई थिंक दिस लुक्स मच बेटर अब ये फुटर कुछ ज्यादा स्टैंडर्ड का दिखाई दे रहा है सो इस तरह से गाइज हम फुटर को क्रिएट करते हैं अपनी वर्ड वेबसाइट में विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटर प्लग